अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अयाज अती पनीजू साहब, जो कि मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं और मेरे टीचर भी रह चुके हैं। मुझे इन्होंने लॉ पढ़ाया है, मुझे इन्होंने बहुत कुछ समझाया, कुछ सिखाया है। आज इनसे पूछते हैं कि ये व्हाट ही हैज़ टू से अबाउट माई पेज, तो अयाज साहब क्या कहना चाहेंगे? इट्स अ गुड इनिशिएटिव और वी शुड कंसंट्रेट ऑन सच क्रिएटिव इनिशिएटिव्स एंड आइडियाज। आप शुरू से एक बड़े एक्टिविस्ट, कमिटेड एक्टिविस्ट रहे हैं। हेल्थ पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंसर्न है, खुसूसन जिन शहरों में हम रहते हैं, जो करप्शन के मारे हुए शहर हैं, जो लूट के मारे हुए शहर हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रिपोर्ट्स के मुताबिक 18 अजला के लोगों को गंदा गटर मिला हुआ पानी पिलाया जाता है, जहाँ आप सुबह जो ब्रश करते हैं दांतों को वो गटर वाले पानी से करते हैं। हम बड़े खुश होते हैं कि मिनरल वाटर पी रहे हैं, हम बड़े खुश होते हैं कि मिनरल वाटर पी रहे हैं। वो मिनरल वाटर जो है वो पी के फिर आप कौन से गिलास में पीते हैं? गिलास आप मिनरल वाटर से धोते हैं क्या? गिलास धो के आता है आपके किचन से, गटर वाले पानी से, मोहल्ले के पाखाने और पेशाब मिले हुए पानी से गिलास धोकर फिर उसमें बूंदे जो उस गटर की पानी की होती है उसके ऊपर डालते हैं मिनरल वाटर। सुबह चेहरा धोते हैं गटर मिले हुए पानी से, ब्रश करते हैं, ब्रश थोड़ी आप मिनरल वाटर से करते हैं। और आपके घर में जो आटा गूंदा जाता है वो गटर के पानी से, जो आटा जिस प्लेट में गूंदा जाता है वो भी गटर का पानी होता है, जिस देगची में खाना पकता है वो भी गटर के पानी से धुली हुई है। तो ये तोहफा है आपको हुक्मरानों का कि दुनिया का ये वाहिद ट्रिलियंस की रिसोर्स वाला मुल्क है और उसका ये वाहिद सूबा है जहाँ से पेट्रोल भी निकलता है, गैस भी निकलती है, कोल भी है, वहाँ गंदा जहरीला गटर वाला पानी आपको 10 साल से हुक्मरान पिला रहे हैं। उसमें ये हेल्थ इनिशिएटिव बड़ा ज़बरदस्त है, इसको आपको थोड़ा सा फैलाना होगा, आपके इस पेज को ज़्यादा इफेक्टिव बनाना होगा। दूसरा मामला है हेपेटाइटिस का, उसके हवाले से अवेयरनेस फैलानी होगी। ये गटरों का जो मिला हुआ पानी है और फिर जो क्विक डॉक्टर बैठे हैं वो जो डिस्पोजेबल इंजेक्शंस को रीयूज़ करते हैं, उससे हेपेटाइटिस कम होने के बजाय फैलती है। हेपेटाइटिस के पेशेंट्स को बताया जाता है कि आप गन्ने का जूस पिए, गन्ने का जूस पीने जिस स्टॉल पे जाते हैं आप, वहाँ आपसे पहले दो हेपेटाइटिस के पेशेंट उसी गिलास में वो पी के गए होते हैं गन्ने का जूस। तो गन्ने के जूस के दुकान पे हेपेटाइटिस फैलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि कोई नहीं है वहाँ धोने का और साफ़ करने का मामला। बच्चे आपके चाइल्ड मॉर्टलिटी रेट सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत अलसंद में, थर में बच्चे मर रहे हैं खुराक की वजह से। ये हेल्थ इश्यूज़ जो हैं आपकी हॉस्पिटल में, पिछले दिनों मैंने सिविल हॉस्पिटल का भी दौरा किया और मैंने कासिमाबाद के हेल्थ हॉस्पिटल सेंटर का भी दौरा किया। वहाँ पे दवाइयाँ जो आती हैं वो हॉस्पिटल बेचारी क्या करे, दवाइयाँ हेल्थ डिपार्टमेंट से जो आती हैं वो दो नंबर आती हैं, यानी वो मार्केट में जो सबसे सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ हैं वो सिंध के हॉस्पिटल्स को फराहम की जा रही हैं। तो ये जो करप्ट टोला 10 साल से मुसल्लत है, इसने हेल्थ के सेक्टर को तबाह कर दिया है। लोग मर रहे हैं, लोग भूखे हैं, आप आंखें जाके देखें सिंध के लोगों की आंखों से नज़र आएगा कि इनको पी लिया है। इसलिए आप उसमें अवेयरनेस पैदा करें, यूथ को मोबिलाइज़ करें, और बड़ा अच्छा गुलाम मुस्तफ़ा आप काम कर रहे हैं और नोमान से हमें एक्सपेक्टेशन भी ये है कि इस सारे मामले को आगे बढ़ाया जाएगा, अवेयरनेस दी जाएगी, गली गली जाया जाएगा, लोगों को अपने हेल्थ के बारे में कॉन्शियस किया जाएगा, स्कूल्स में जाएं, कॉलेजेस में जाएं, लोगों को ये अवेयरनेस दें कि वो किस तरह ख़तरनाक बीमारियों से बचें। और दूसरे हेल्थ का एक और पहलू ये है कि लोग फिटनेस के लिए, इम्यूनिटी पैदा करने के लिए वॉक करें, खेलें, गेम्स को प्रमोट करें, पार्क्स में जाएं। पार्क्स के सारे पैसे खाए जा चुके हैं, स्टेडियम्स में हैदराबाद की, मीरपुर खास की, सक्कर की, लाड़काना की, नवाबशाह की क्रिकेट और हॉकी टीम्स हैं ही नहीं, वो सारे सेक्टर पे कब्ज़ा है मखसूस लोगों का। फुटबॉल को यहाँ प्रमोट करना चाहिए, स्क्वाश को करना चाहिए। ये सब काम करेंगे तो हम ज़्यादा हेल्दी लाइफ भी गुजारेंगे, क्रिएटिव भी होंगे, अपने वतन के लिए ज़्यादा अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच अयाज साहब, थैंक यू सो मच। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।